नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। झारखंड लोक सेवा आयोग की इंटरव्यू के लिए ये विशेष वीडियो है। इसके पहले भी कई वीडियो हमने प्रसारण कर चुके हैं और इसको देखने के लिए आप हमारा प्लेलिस्ट खोल करके भी देख सकते हैं। आप अपनी पूरी बायोडाटा, मसलन कि आपने स्कूलिंग, कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से की है, आपका एक्सपीरियंस किन चीज़ों में रहा है, आप सिविल सर्विस और DSP BDO जैसे पद को क्यों चुनना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं, JPSC ही क्यों, इसका सही जवाब आपको लिखना है। साथ ही साथ आपकी हॉबी क्या है और उससे किस प्रकार से लाभ होगा, आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो अन्य उम्मीदवार की तुलना में आपको अलग बनाती हैं, ऐसी कई चीज़ों को पहले हम बता चुके हैं और आज का ये विशेष प्रसारण में कुछ अन्य मुद्दों पर बात करेंगे जिसका आपको जवाब तैयार रखना है। रिजल्ट में आपका नाम आ जाने के बाद जब आप मेंस क्वालिफाई कीजिएगा तो उस समय हम मॉक टेस्ट लेंगे अलग अलग शहर में। आप अपने नंबर से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431156794 पर मैसेज जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि झारखंड में टूरिज्म उतना विकसित नहीं हो पाया जितना कि दूसरे राज्यों में हुआ है, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? झारखंड में माउंटेन, फॉरेस्ट और वाटरफॉल, रिवर सिस्टम बड़ी संख्या में है। दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में इतनी बड़ी संख्या में वाटरफॉल नहीं रहने के बावजूद भी टूरिज्म ही प्रमुख साधन है। मसलन हिमाचल प्रदेश के किसी भी शहर को ले लीजिए, आप बंगाल के कई शहरों को देख लें, उत्तराखंड में चले जाइए, वहाँ जितना बेहतर तरीके से टूरिज्म विकसित हुआ है उतना बेहतर तरीके से झारखंड में नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है? इसका कारण आपको खोजना है और लिखना भी। अगर ये पूछा जाए कि झारखंड में कई मिनरल पाए जाते हैं, मसलन बॉक्साइट, यूरेनियम, कोल, आयरन सहित दूसरे प्रीशियस मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल झारखंड में है, इसके बाद भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना कि आशा की जाती थी, इसका प्रमुख कारण आपको क्या नजर आता है? इसके साथ अगला जो क्वेश्चन होता है कि झारखंड के आप 5 ऐसे खनिज पदार्थों का नाम बताइए जिसमें झारखंड इंडिया में टॉप पर खड़ा है, फिर भी क्या कारण है कि इस इंडस्ट्री को झारखंड में प्रधानता नहीं मिल पाया जितना कि दूसरे स्थान पर मिल पाया है? इसका सही उत्तर आपको खोजना है। साथ ही साथ झारखंड के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो वन जीव अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व अगर झारखंड में है तो, और भी कोई दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का एरिया है, इसके बारे में आपको बताना है। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, सामाजिक वानिकी क्या है, पेशा कानून क्या है और आदिवासी क्षेत्र में जंगल को बचाने के लिए झारखंड सरकार कौन कौन से नियम को लेकर के चल रही है? झारखंड में जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा तो झारखंड से संबंधित बहुत से कॉमन सवाल भी होंगे। मसलन झारखंड को महाभारत काल में, रामायण काल में या हमारे उपनिषद में, ब्राह्मण साहित्य में किन नामों से लिखा गया है, मुगल काल में क्या कहते थे, झारखंड नाम इस लोकेलिटी के लिए कितना फिट बैठता है, क्या इसका नाम दूसरा होना चाहिए, नाम का परिवर्तन कौन करता है, नए राज्य को बनाने की जिम्मेवारी किसके ऊपर होती है, क्या झारखंड बनाकर केंद्र सरकार ने सही निर्णय लिया था, झारखंड बनने के बाद जो आशा थी लोगों की उसमें कहाँ तक ये पहुँच पाया है, यदि नहीं तो फिर क्या कारण है और आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसे तमाम क्वेश्चन होंगे जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आपको पहले से तैयारी कर लेनी है कि आपके पास जब कोई क्वेश्चन आए तो उसका आप सटीक उत्तर दे पाइए। कई स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना बायोडाटा भेज दिए हैं, आपको सिलसिलेवार ढंग से आपका उत्तर मिलेगा बहुत जल्दी। मॉक टेस्ट में हमारे साथ कई अधिकारी होंगे जो UPSC और JPSC को पास करके पूर्व में ज्वाइन किए हुए हैं, अभी हम उनके नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सारे लोग
मॉक टेस्ट में हमारे साथ होंगे, तो आप अपना नाम जरूर और पूरी पूरी बायोडाटा बना करके भेज दीजिएगा ताकि हम आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार कर पाए। झारखंड में ड्राई जोन क्या है, मानसून पर कितनी प्रतिशत खेती यहाँ की निर्भर करती है, और झारखंड में स्पेशल इकोनॉमिक जोन से किसानों को क्या लाभ हुआ है, क्या यहाँ के किसान जिस प्रकार से सब्जी की खेती करते हैं, फूल की खेती करते हैं, क्या उनको उनका पारिश्रमिक सही मिल पाता है? अगर नहीं मिल पाता है तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, यह आपको बताना है। सरकार की नीतियाँ नक्सलाइट को लेकर जिस प्रकार से सामने आई है कि सरेंडर करने पर उन्हें नौकरी भी दिया जाएगा, इससे आप कितना सहमत हैं और क्या ये किसी भी राज्य में लागू किया जा सकता है? झारखंड में ही नक्सलाइट का छत्तीसगढ़ और झारखंड में इतना ज़्यादा प्रभाव क्यों है, इसे कैसे दूर किया जाएगा, कौन कौन से रोडमैप आपके पास है? अगर आप किसी क्षेत्र के डीएसपी बन जाते हैं, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है किसी डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ पर कॉम्युनल टेंशन चल रहा है, तो आप उससे कैसे निपटेंगे, कॉम्युनल टेंशन से निपटने के लिए आपके पास कौन कौन से उपाय हैं? इन दिनों नेटवर्किंग का सिस्टम होता है सोशल मीडिया में, किसी भी चीज़ को फैलने से जो सोशल मीडिया में र्यूमर होता है, इसको आप कैसे रोकिएगा? साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती है पुलिस के समक्ष इस वक्त में। सारी जानकारी होने के बाद भी साइबर अपराधी लगातार ठगी करते जा रहे हैं, आप लोगों को कैसे जागरूक करेंगे, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न होगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपसे पूछा जाएगा कि पुलिस को लेकर लोगों के दिलो दिमाग में नकारात्मक छवि ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पॉजिटिवनेस, आप ऐसा कौन कौन सी उपाय लाइएगा कि सोशल पुलिसिंग जो सरकार तैयार करती है इसे लागू किया जा सके और सोशल पुलिसिंग पर लोगों का भरोसा बढ़े? आपके पास अगर इसके लिए रोड मैप होगा तो आप बहुत बेहतर कर पाइएगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं डीएसपी पद पर तो आपकी 5 प्राथमिकता क्या होगी? आप सबसे पहले कॉल करके इसका जवाब, इसके बारे में किसे बताइएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है? अगर आपका चयन नहीं होता है तो आपको कितना बुरा लगेगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? झारखंड को इंडिया में टॉप पर लाना है, आप ऐसे 5 उपाय बता दीजिए जिससे कि झारखंड राज्य भारत के टॉप डेवलप्ड स्टेट में शामिल हो जाए। यहाँ की जनजातियों में एजुकेशन को कैसे फैलाएंगे, जनजातियों के साथ एक आम आदमी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, और जनजाति परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, इसे इसको प्रिजर्व करने के लिए आप क्या करेंगे, क्या झारखंड में आदिवासी समुदाय के लिए लागू किए जाने वाली योजनाएं वहां तक पहुंच पाई हैं? यदि आप इससे सहमत हैं तो अपना उत्तर दीजिए। इसी प्रकार से कई प्रश्न और हैं जो अलग अलग वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर आपको जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका उत्तर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो उसका मॉडल आप भेज सकते हैं। बहुत जल्द सारे प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे, लेकिन फिलहाल अभी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें ये संभवतः 5वां या 6ठा वीडियो होगा। इसके पहले भी कई वीडियो हमने भेजा है, उम्मीद करते हैं कि सारे वीडियो से आपको लाभ होता होगा। 9431156794 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज जरूर कर दीजिएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो व्यूअर हैं उनका नाम जरूर इंटरव्यू की लिस्ट में आएगा और उस समय हम आपको पूरी मदद करेंगे। हम 3 शहर में उस समय मौजूद होंगे, जमशेदपुर, रांची और धनबाद में। तीनों शहर में मॉक इंटरव्यू चलेगा और आपको अपना इंटरव्यू में नाम रजिस्टर्ड करवा लेना है। आप व्हाट्सएप पर अपना मैसेज करके अपना नाम और पूरी डिटेल्स लिख करके अपना नाम अभी से अपनी सीट सुरक्षित रखवा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त में अधिकांश संख्या हो जाने के बाद आपका नंबर देरी से आ सकता है, क्योंकि जो अधिकारी चयनित है पहले से